हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग? ठीक है? उम्मीद करता हूँ सब मस्त होगी और स्वस्थ होगी। सो आइए बिना देर किए हुए आज का रेसिपी स्टार्ट करता हूँ। आज रेसिपी होगा मेरा फ्रेंड सजना, और सजना अभी मार्केट पर नया नया निकल रहा है। सो मैं सोचा क्यों ना आज सजना का रेसिपी आप लोगों के पास मैं शेयर करूँ। और देखिए, राइस और सजना का सब्जी के साथ मैं खाना खा रहा हूँ मेरा फ्रेंड, और आप लोग भी एक बार ये रेसिपी जरूर ट्राई कीजिएगा और वीडियो को एंड तक फॉलो कीजिएगा। मेरा फ्रेंड देखिए कितना क्यूट कलर हुआ है। और सजना जो रेसिपी है ना, मैं बिना मसाला का बनाऊंगी, मैं कोई भी मसाला यूज नहीं करूंगी इस रेसिपी पर, क्योंकि मसाला ज़्यादा खाने से गैस का प्रॉब्लम होता है। सो इसीलिए मैं बिना मसाला का आज रेसिपी बनाऊंगी मेरा फ्रेंड। सो आप लोग वीडियो एंड तक फॉलो करना है। सबसे पहले मैंने हरा मिर्चा, नहरू, अदरक और सरसों, और देखिए मैंने सरसों पर अदरक लहसुन सब ऐड करके मैंने मिक्सी मशीन पर पीस लिया। और इस तरफ मेरा सजना, और सजना को सबसे पहले जो ऊपर वाला लेयर है ना वो निकाल के फेंकना है। और इस तरह मैंने प्याज, मिर्चा और टमाटर और थोड़ा नहरू मैंने काट के लिया है बारी बारी। और इस तरह मैंने सजना का जो ऊपर वाला लेयर है ना वो ऐसे निकाल के फेंकना है। सबसे पहले सजना रेडी कर लेना है। और देखिए ऐसे आप लोग को निकालना है। और इस तरह मैंने थोड़ा सा आलू भी काट के रेडी कर लिया, और इस तरह मैंने सजना रेडी कर लिया। इतना ही मसाला चाहिए। मैंने एक कढ़ाई बैठा दिया, कढ़ाई पर मैंने ऑयल ऐड कर दिया, और ऑयल गर्म हो गया मेरा। अभी मैं 5 फोरन थोड़ा सा ऐड कर दिया, और बारीक कटा हुआ हरा मिर्चा मैंने ऐड कर दिया, उसके बाद बारीक कटा हुआ नहरू मैंने ऐड कर दिया, उसके बाद मैंने प्याज ऐड कर दिया। और अभी 2 या 3 मिनट अच्छी तरह से कुक करना है। जब ब्राउन कलर आ जाएगा उसके बाद सजना को ऐड करना है, और अभी 2 या 3 मिनट सजना को फ्राई करना है। ऑयल पर फ्राई करने से सजना टेस्ट खाने के लिए स्वाद होता है मेरा फ्रेंड्स। और मैंने आलू ऐड कर दिया। कोई भी मैं पैकेट मसाला यूज नहीं करूंगी मेरा फ्रेंड्स। और 1 टेस्पून मैंने हल्दी पाउडर ऐड कर दिया, और स्वाद अनुसार नमक मैंने ऐड कर दिया, लाल मिर्चा पाउडर मैंने थोड़ा सा ऐड कर दिया कलर के लिए। बस अभी 2 या 3 मिनट कुक करना है लो फ्लेम पर। और ऊपर से मैंने ढकनी लगा दिया 2 मिनट के लिए। अभी मेरा कुक हो गया है मेरा फ्रेंड्स। थोड़ा सा मैंने पानी ऐड कर दिया, और अभी बारीक कटा हुआ टमाटर को मैंने ऐड कर दिया, क्योंकि आलू पकने के बाद टमाटर को ऐड करना चाहिए, तब अच्छा होता है। उसके बाद मैंने सरसों, अदरक, लहसुन मैंने जो पेस्ट बनाया था वो मैंने ऐड कर दिया, और अभी 2 या 3 मिनट फ्राई करना है। और ये जो रेसिपी मैंने होटल पर बनाया था, जहां मैंने कुक किया करता था वहीं मैंने ये रेसिपी बना लिया था मेरा फ्रेंड्स। और देखिए कुकिंग मेरा हो गया 2 या 3 मिनट। और अभी मैंने पानी ऐड कर दिया, और पानी ऐड करने के बाद 4 या 5 मिनट के लिए अच्छी तरह से कुक करना है। और देखिए मेरा कुकिंग हो गया मेरा फ्रेंड्स, और मेरा रेसिपी बनके तैयार हो गया। देखिए कितना क्यूट कलर। ऊपर से थोड़ा सा मैंने मीठी पाटा ऐड कर दिया, क्योंकि मीठी पाटा ऐड करने से स्वाद होता है मेरा फ्रेंड्स। बस मेरा रेसिपी बनके तैयार हो गया है, और अभी मैं दाल और राइस और सब्जी का साथ मैं खा रहा हूँ खाना। और रेसिपी कैसा है मुझे कमेंट करके बोलिएगा मेरा फ्रेंड्स। देखिए कितना क्यूट कलर हुआ है।
सो सजना रेसिपी ऐसे आप लोग बना के खाइएगा, ठीक है। और ज़्यादा मैंने मसाला भी यूज़ नहीं किया है इस रेसिपी पर। आज के लिए इतना ही है, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय आय असम।